चौधरी ने आयोजित की प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठक में 2024 लोकसभा विधानसभा चुनाव पर की चर्चा। लखनऊ विश्वविद्यालय में मनाया 65वां दीक्षांत समारोह, छात्र छात्राओं को मेडल डिग्री की वितरित डिजिटलागर मार्कशीट उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। पत्नी से मिले गए युवक पर धारदार हथियार से हमला। गन्ना कटाई को लेकर दो पक्षों में विवाद, सूचना पर पहुंची पुलिस। मेडिकल कॉलेज में प्रसव कराने आई महिला के परिजनों के साथ मारपीट, धनुगाही की मांग पूरी न होने पर स्टाफ नर्स ने जमकर की मारपीट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आगामी 9 राज्यों में 2024 लोकसभा विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में G20 बैठक का आयोजन भारत में किया जा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व के अनेक देशों से मजबूत हुआ है। 15 समिति पर प्रमुखता से काम करने पर हमें सफलता हासिल हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी की हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश के सभी राज्यों में, खासकर नॉर्थ ईस्ट राज्यों में महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने OP राजभर का जिक्र करते हुए कहा कि कोई भी गठबंधन का सदस्य बन सकता है, सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हैं। जिस तरह से विधानसभा चुनावों से लेकर उपचुनाव, स्थानीय निकाय के चुनावों में पार्टी की पूरे देश भर में एक शानदार सफलता मिली, वह एक मिसाल है आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम आने वाले 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करेंगे, इस प्रकार का विश्वास कार्य समिति का है। लखनऊ विश्वविद्यालय के 65वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इसरो के पूर्व चेयरमैन NEP ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन उपस्थित रहे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए 10 शिक्षकों की किताबों का विमोचन भी किया। न्यू कैंपस स्थगित नवनिर्मित 200 बेड का गर्ल्स हॉस्टल और कर्मचारी आवास का लोकार्पण किया है। दीक्षांत समारोह के दौरान 101 मेधावियों को 189 मेडल और 42,688 विद्यार्थियों को डिग्री वितरित कर डीजी लॉकर में मार्कशीट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय, प्रोफेसर आर के सिंह, प्रोफेसर गीतांजलि मिश्रा, प्रोफेसर राजीव पांडे और प्रोफेसर मीनाक्षी पावा ने छात्र छात्राओं को पदक वितरित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। कानपुर पुलिस कमिश्नर BP जोगदंड ने शहर के सभी थाना अधिकारियों को एक चिट्ठी भेजी है, जिसके माध्यम से पुलिस कर्मियों को मर्यादित आचरण करने की अपील की गई है और आदेशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि रेल में बिना टिकट यात्रा करने पर पुलिस कर्मियों पर ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर मध्य रेलवे झांसी मंडल वरिष्ठ प्रबंधक शशिकांत त्रिपाठी ने प्रयागराज, झांसी, जहौन और कानपुर देहात का नगर पुलिस अधिकारियों को शिकायत पत्र भेजकर बताया कि पुलिस कर्मी वातानुकूलित के ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं। रेलवे अधिकारी और TT के पूछताछ करने पर पुलिस कर्मी अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। मामले में संज्ञान लेकर पुलिस कमिश्नर BP जोगदंड ने बिना टिकट सवारी करने वाले पुलिस कर्मियों को फटकार लगाई है और कहा कि सरकारी कार्य होने पर पुलिस कर्मियों का भुगतान विभाग की तरफ से किया जाता है। रेलवे विभाग से हमें एक पत्र प्राप्त हुआ था, कानपुर कमिश्नरेट के साथ साथ अन्य जनपदों को, अन्य जगहों के लिए भी रेलवे ने ये पत्र लिखा था कि
उनके द्वारा ये पाया गया है कि कतिपय जगहों पर रेलवेज में वर्दीधारी कर्मी बिना टिकट के यात्रा करते हैं और उच्च श्रेणी के डिब्बों में भी वो यात्रा करते हैं, जिससे जो पैसेंजर्स हैं उनको दिक्कत होती है। हमने सभी हमारे पुलिस कर्मियों को ये सलाह दी है, उनको चेताया भी है। उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग, जो कार्य सरकार में यात्राएं की जाती है हमारे द्वारा, हमारे किसी भी कर्मी द्वारा, एक एक पैसे का भुगतान ये विभाग करता है। तो हमारे किसी भी कर्मचारी को जो कार्य सरकार से बाहर जा रहे हैं, उनको इस तरह से यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। वो बाकायदा अपना टिकट क्रय करें और यात्रा करें, उसके एक एक पैसे का भुगतान ये विभाग करता है। अयोध्या के तारुण थाना क्षेत्र निवासी पत्नी से मिलने गए एक युवक पर तेज धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया गया। आनन फानन में युवक को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव ने प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ के लिए रेफर किया है। डॉक्टरों ने बताया कि युवक के गले और सीने पर धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिससे उसका काफी खून बह गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि युवक युवती ने कोर्ट मैरिज में शादी की है। पंचायत के बाद बहुभोज का आयोजन किया गया था। उन्होंने युवक के परिजनों की तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्यवाही करने की जानकारी दी है। मेरा भांजा भान प्रताप वर्मा, इसने प्रेम विवाह जो है वो बद्री प्रसाद कसौधन की पुत्री अंजलि से किया था। इस बीच उन दोनों में कुछ कहा सुनी हुई थी, तो अंजलि अपने घर आई थी रामपुर भगन। आज रामपुर भगन बद्री प्रसाद, उसकी पत्नी सुधा और अंजलि और उसके बद्री प्रसाद के दो बेटों ने घर बुलाकर उसका गला काट दिया और इलाज कराने के लिए लाए। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अब पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस चौकी इंचार्ज की जो भूमिका है उनको संदिग्ध लग रही है। वर्मा लाए गए थे, ये बताया गया था कि कहीं किसी ने जो है गला रेतने की कोशिश करी, उसके बाद ये रेफर होकर के हमारे पास आए थे CSC तारुण से। प्रारंभिक इलाज का कर दिया है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि श्वास की नली में कुछ क्षति हुई होगी, इसलिए इनको लखनऊ रेफर कर दिया गया आगे इलाज के लिए। हाँ, अभी फिलहाल खतेज का बाहर है, लेकिन अब अंदर क्या है वहाँ पे देख के ही हालत पता चल पाएगी आगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे। राघवेंद्र, देखा जाए तो पत्नी से मिलने गए युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिससे उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। देखिए बिल्कुल, अगर बता दें ये पूरा मामला अयोध्या जिले के थाना तारुण का है, जो कि ये रामपुर भगन बाजार में ही अपने ननिहाल में युवक रहता था और वहीं पे इसका प्रेम प्रसंग हुआ एक लड़की से, जो कि वहीं की निवासी है बाजार की ही। और उसके बाद इन्होंने एक कोर्ट मैरिज किया था। कोर्ट मैरिज करने के बाद ये जो शादी किया है और जाकर के अम्बेडकर नगर जिला में शिव बाबा मंदिर है वहां पर इन्होंने शादी किया। शादी करने के बाद ये कुछ महीनों से इनका परिवार के साथ में अनबन चल रहा था, उसको ले करके कहीं ना कहीं एक कयास लगाया जा रहा है। अभी पुलिस जो है इस पे साफ तौर पे कहना मुनासिब नहीं समझ रहा है कि, और ना ही कोई एप्लीकेशन पड़ी है अभी तक कि कोई कार्रवाई इस पे की गई हो। लेकिन अगर बता दें अभियुक्त जो पीड़ित है उसको गले में उसके धारदार हथियार से हमला हुआ है, और हमला होने के बाद आपको बताने कि CSC ले जाया गया था, CSC से जिला अस्पताल रेफर किया गया, उसके बाद इसको ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। अभी भी ट्रामा सेंटर में उसका इलाज चल रहा है और उसके परिवार के लोग अभी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं कि ये मामला जो है वो किन कारणों से हुआ है। लेकिन आक्रोश तौर पर अगर बात की जाएगी तो इनके इनके अगल बगल के लोगों का ये कहना है कि ये पति पत्नी के विवाद कुछ दिनों से ये चल रहे थे, आपसी तालमेल जो है वो बरकरार नहीं था। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका राघवेंद्र। खबर मैनपुरी से है। यहाँ भोगांव स्थित मौजेपुर गांव में एक युवती की परिजनों ने हत्या कर घर के पास बने गड्ढे में दफनाकर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी विजयपाल सिंह, थाना प्रभारी BS भाटी ने अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और युवती की लाश को गड्ढे से बरामद की। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार मृतका का नगला गाँव निवासी हरि सिंह के साथ प्रेम प्रसंगों के चलते युवती के परिजनों ने हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में मृतका की शादी तय हुई थी, दो दिन पहले गोद भराई की
रस्म अदा पूरी की गई थी। पुलिस अधिकारियों ने पूरे मामले में संज्ञान लेकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। गांव है मोजेपुर हवेलिया थाना भोगांव में कि एक अशोक यादव है जो अपनी लड़की की हत्या करके और घर में कहीं लाश को छिपा दिया है। इस सूचना पर थाना पुलिस और पीआरपी पहुंची थी तो पता चला कि वो अपने घर के बगल में एक घेरा है जिसमें नल वगैरह लगा हुआ है, वहां पर एक मिट्टी का गड्ढा खोद करके और उसके नीचे लाश को दबा दिया था और घर के लोग फरार थे, ताला बंद था। पुलिस ने शव को निकाला है, उसमें लड़की के गले में चोट के निशान हैं। तो इसके संबंध में ये जानकारी हुई है कि इस लड़की का किसी लड़के से प्रेम प्रसंग था और जिसके घर वाले विरोध कर रहे थे और इसी के कारण ये घटना को प्रथम दृष्टया अंजाम दिया जाना पाया जा रहा है और इसके संबंध में और जानकारी की जा रही है, तहरीर प्राप्त की जा रही है, बाड़ी का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर में आवारा पशुओं के आतंक से परेशान किसानों ने सियाना तहसील कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन नेता घुंगरू तोमर के नेतृत्व में बरौली बासुदेवपुर गांव के किसानों जुलूस के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया, धरने पर बैठ गए। बाकियों नेता घुंगरू तोमर ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि गाँव में आवारा पशुओं का लगातार आतंक बढ़ा है जिससे खेतों में खड़ी फसलों को नष्ट कर किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस पर प्रशासनिक अधिकारियों से किसानों ने गांव में गौशाला बनाने की मांग की है लेकिन अभी तक अधिकारियों ने कोई उचित कार्यवाही नहीं की है। किसानों की मौजूदगी में भारतीय किसान यूनियन नेता घुंगरू तोमर ने जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह को ज्ञापन पत्र सौंप कर गौशाला बनाने की मांग उठाई है। मेरा नाम नरेंद्र सिंह तोमर उर्फ घुंगरू तोमर, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष छाना और जिला बुलंदशहर से। गांव बरौली वासदेवपुर में इतना बड़ा तांडव है इन किसान मतलब आवारा पशुओं का कि हमने कई बार शिकायत करी है, कलेक्ट्रेट पे भी धरना दिया है, वहां से एप्लीकेशन भी यहां पे आई है और ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत सदस्य मतलब मैं खुद हूं अपने वार्ड से और हमने ग्राम पंचायत से मतलब प्रस्ताव भी करा लिया है गौशाला के लिए और यहाँ पर जमीन भी चिन्हित हो चुकी है राजस्व विभाग द्वारा लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने आपसे तीन चार महीने पहले जब पहले डीएम साहब का मंगल दिवस लगा था उसमें हमने अपनी समस्या रखी थी तो उस समय लंबी बीमारी आ गई थी, तब डीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि जब तक लंबी बीमारी ये ख़त्म हो आप जब तक रुक जाओ आपकी गौशाला बनवा दी जाएगी और तब तक हम आपके एक अस्थाई मतलब पकड़वाने की व्यवस्था करवाते हैं लेकिन आज तक कोई भी पकड़वाने के लिए नहीं पहुँचा है, आज 4 महीने हो गए हैं। खबर सोनभद्र से है जहां बबनी थाना के अधौरा गांव निवासी दृष्टिबाधित एक व्यक्ति से इलाज के नाम पर ठगी का मामला प्रकाश में आया। पीड़िता ने बताया कि दलाल ने बैंक कर्मी के साथ मिलकर केवाईसी के नाम पर खेत के कागजातों पर हस्ताक्षर कराकर करीब 1,90,000 रुपए का लोन दिलाया था। दलाल और उसका सहयोगी अकाउंट से सारे रुपए निकालकर फरार हो गए। पीड़ित ने स्थानीय थाना पुलिस से मिलकर मामले से अवगत कराया है पर थाना अधिकारियों ने डांट फटका कर भगा दिया है। पैसा के मैटर ऐसा ना भा हाँ। भाई शुरू में कहा कि भाई सारे पैसा तुला भारे वाला का छोड़ दे हम ना ले और बाकी 10-20,000 ले ला अखिया बनवा ला। अच्छा मतलब कौन कह रहा है का अखिया बनवा ला? अच्छा कह रहा का अखी बनवाओ खातिर 10-20,000 पैसा ले ला। हाँ बता दें कि नेत्रहीन से इलाज के नाम पर जमीन के नाम पर दिलवाए गए लोन ने ठगों ने ठगी की है। बता दें नेत्रहीन से करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। खबर हरदोई से है जहां मेडिकल कॉलेज में प्रसव करने आई महिला और उसके परिजनों के साथ स्टाफ नर्स की प्रियंका ने मारपीट की है। पीड़िता ने बताया कि ननद रेनू को प्रसव करने के लिए भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के सफल ऑपरेशन में जच्चा बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। स्टाफ नर्स ने धन उगाही की मांग की जिस पर प्रियंका और पीड़िता के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। अस्पताल में उपस्थित लोगों ने बीच बचाव कर झगड़े को शांत कराया। अस्पताल में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जानकारों के अनुसार जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में तब्दील होने के बाद आए दिन झगड़े के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल देश दीपक तिवारी की तैनाती के बाद यहां अव्यवस्थाओं के अधिक मामले सामने आ रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हर्षराज हमारे साथ जुड़ेंगे। हर्षराज, देखा जा रहा है वीडियो में, तस्वीरों में किस तरीके से मारपीट किया जा रहा है और परिजनों का आरोप लगा है कि धन उगाही को लेकर मारपीट किया गया है। आपको बता देंगे, शहर सोसाइटी महिला अस्पताल का है, यहाँ पे जो यहाँ पे जब भी आती हैं महिलाएं उसके बाद भी यहाँ पे धन उगाही का गोरख धंधा चला करता है। जबकि कई बार ये देखा गया है, प्राय कार्रवाई भी होती है, लेकिन यहाँ के जो स्टाफ हैं बदतमीजी से बाहर नहीं आते हैं। कोई भी मरीज आता है तो उसको देख के जो कहते हैं कि पैसे लाइए, और जब मामला फूल पकड़ता है तो उसको शांत कर दिया जाता है। जी, लगातार बताया जा रहा है जब से ये चिकित्सा मेडिकल कॉलेज में तब्दील हुआ है यहाँ पर अव्यवस्थाओं के अंबार लगे हैं, लगातार इस तरीके से झगड़े सामने आते हैं। जी, आए दिन प्राय देखा जाता है कि यहाँ पे धन उगाही और ये मरीजों के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति होती है। प्राय देखा जाता है कि डीएम और सीडीओ मैडम बराबर औचक निरीक्षण करती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के जो स्टाफ हैं हरकत से बाहर नहीं आते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्षराज। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना के मकनपुर में जिम संचालक गुलजार से मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने बताया कि राम जिम बंद कर अपने घर जा रहा था, इसी दौरान पड़ोस का शेखर त्यागी ने नाली खड़ंजा के विवाद में जिम संचालक के सहयोगियों के साथ मिलकर लाठी डंडों से पिटाई कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचना मिलने पर पीड़ित के परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। मामले में संज्ञान लेकर पुलिस अधिकारियों ने मारपीट के सभी आरोपियों के जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश जारी किए हैं। एक्चुअली मैं शाम को जिम निकल रहा था घर से, तो गली के बाहर पानी थोड़ा जमा हुआ था, तो मेरे से उसने बोला कि इसको पानी को ठीक करा लो उसको यहाँ से, तो मैंने बोला ठीक है उसको ठीक करा लेंगे। तो वो शराब पी रहा था, दारू गाली गुप्तार पा गया, और मैंने बोला गाली वाली मत बक, इसको कल ठीक करा लेंगे हम। तो बाकी उसने मेरे भाइयों को भी गाली वाली बकी आगे छोट छुटाव के लिए, तो मैंने सोचा कि छोटी सी बात है ख़त्म हो गई, कल भी इसको ठीक करा लेंगे। और रात को मैं 10 बजे जिम से निकला तो उसने अपनी गाड़ी से मेरे पैर साइड टक्कर मारी, मैं गिर गया। इतने मैंने हेलमेट उतारा तो उसके बाद उसने डंडों से मेरे ऊपर हमला किया, और भी कुछ लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, उसका बाप भी था, तो उसको मैंने धक्का वक्का दे के मैं भागने की कोशिश की, उसने मेरे पीछे कुत्ता छोड़ दिया, रोड व्हीलर कुत्ता था, वो कुत्ते ने मेरे ऊपर हमला करा, पूरा ये यहाँ से पूरा हाथ सब कर रखा है, पीछे कमर पे है, तो और वो कुत्ते से कटवा रहा था और पीछे से डंडे मार रहा था वो। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां गोला कोतवाली के मूढ़ा सवारन गांव में गन्ना कटाई को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। सूचना पर पहुंचे दरोगा और दो सिपाहियों की दबंगों ने पिटाई कर सरकारी पिस्टल छीनकर फरार हो गए। आला अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लेकर 6 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गन्ना काटने को लेकर रिंकी देवी की सौतेली मां सुनीता के साथ विवाद हो गया था। रिंकी ने विवाद की शिकायत मुढ़ा पुलिस चौकी पर की। उसने बताया कि सौतेली मां समझौते के अनुसार खेत में गन्ना लगाया था, जिसकी कटाई करने का यह विरोध कर रही है। पुलिस चौकी में उपस्थित दरोगा अरुण कुमार दो सिपाहियों के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान सुनीता पक्ष ने दरोगा और दो सिपाहियों के साथ मारपीट की। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। मौके पे चौकी इंचार्ज द्वारा समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन तत्कालीन वो पक्ष उग्र हो गया और चौकी इंचार्ज के साथ हाथापाई हुई है, और इस दौरान उनके जो मोबाइल है और पिस्टल छीनने की बात सामने आई, और इसके आधार पर हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया है। करीब 6 लोगों को हमने नामजद किया है, कुछ अज्ञात में भी लोग की तलाश की जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने वहाँ अपनी जो सीओ गोला है वो कैंप कर रहे हैं, एडिशनल एसपी स्वयं मौके पर जाके सभी चीज़ को देखा, मैं भी मौका मुआयने किया और ये देखा कि वास्तव में क्या घटना हुई है। हम लोग की सघन चेकिंग अभियान चल रही है ताकि जो आरोपी है उनको पकड़ा जा सके।
अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।